प्रोटीन्स दे आर इम्पोर्टेंट्स स्टूडेंट्स प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को किसी हवाले से डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि जितनी प्रोटीन्स हैं हमारा ओवरऑल बॉडी जो है एनिमल्स जितने भी हैं देर बॉडीज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इस तरह जितने भी जो फंक्शनल जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे सारे बेसिकली दे आर कैटेलाइज बाई द प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एनजाइम्स तो अब हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट द कॉन्टेंट्स स्ट्रक्चरल पार्ट प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल पार्ट दे आर एनर्जी एज प्रोटीन्ज एनर्जी सोर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज ट्रांस दैन ट्रांसपोर्टेशन एनजाइम्स एज दे आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड द केमिकल मैसेंजर्स फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल रोल ऑफ प्रोटीन्स जैसे हम प्लाट्स के लिए कहते हैं कि सारे प्लाट्स का जो मेजर प्रोपोर्शन है वो सेलूलोज का बना हुआ है इसी तरह से फॉर द एनिमल्स एनिमल्स के अंदर जो एनिमल का बॉडी है दैट इज़ मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर हमारा बॉडी में अगर हम ओवरऑल देखते हैं हमारे बॉडी में क्या है जी बोन्स हैं और जो गोश्त जिसको मसल्स कहते हैं ये मौजूद है इसके अलावा हमारे कुछ जो इंटेगोमेंट्री स्ट्रक्चर इंटेगोमेंट्स जैसे हेयर नेल्स वगैरह हैं ऑल दी स्ट्रक्चर दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और इस तरह से स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस में देखें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द एनिमल स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीनस द सेकेंड इम्पॉटेंट रोल ऑफ प्रोटीन इज द प्रोटीन एज इनर्जी सोर्स अच्छा प्रिंसिपल अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से सिक्सटी से सिक्सटी फाइव परसेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरा होना चाहिए इसी तरह से आपको तो थर्टी परसेंट जो है वो बेसिकली आना चाहिए फ्राम द लिपिड्स तो प्रोटीन्स का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन प्राइमरीली हमारे बॉडी के अंदर फार एनर्जी सोर्स या वो एक्वायर करने के बजाय उसको स्ट्रक्चरल या फिर मेटाबॉलिक मोलिबुलज़म के लिए जो एक्वायर किया जाता है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपली जो प्रोटीन्स हैं दे कैन प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं लेकिन हमारा बॉडी प्रेफर करता है प्रोटीन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनवाना लेकिन अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है इन ज्यादा जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर उससे ज़्यादा प्रोटीन आ गई है तो फिर उस अजाफी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ किया जाएगा इसी तरह से अगर कहीं के एक बंदा है उसको जो है हाँ वो या कोई स्पेसिमाना जिसको फूड अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा अगर उस बॉडी में जो प्रोटीन स्टोर हैं वो क्या करेंगे उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट स्टेप के ऊपर प्रोटीन विल ब्रोकन डाउन इन टू अमाइनो एसिड प्रोटीन जो है मायनो एसिड में ब्रेक डाउन करेंगी अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप अलग हो जाएगा वो जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम आगे यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिन की फॉर्म में यूरिया की शेप में फॉर्म में निकाल दिया जाता है अब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप अलग हो जाता है जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाता है उसको फिर आगे एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करने के लिए उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी वो फिर आगे क्रैप साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में उसको मूव करवाया जाता है जी थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स गिव आज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस प्रोटीन्स हमें मुख्त बीमारियों से बचाती हैं अच्छा अगर हम नेचुरली देखें तो दो चीज़ें हैं प्रोटीन को हम सिंपली एनिमल्स के अंदर दो रेफरेंस हम इसको कह सकते हैं एक है एंटीबायोटिक्स दूसरी हैं एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स तो आमतौर पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी जो है हाँ वो जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ जाते हैं उनको किल करने के लिए यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट केमिकल नेचर है लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं विच आर प्रोटीन इन विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इसलिए वो जो प्रोटीन बेस्ड एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीबायोटिक्स जो प्रोटीन की बनी हुई हैं तो वो हमारी बॉडी को जर्म्स के अगेंस्ट क्या करेंगी प्रोटेक्ट करेंगी एंटीबायोटिक्स के बाद सेकेंड एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद रेफरेंस टू द सेल्फ डिफेंस हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजेन जब भी कोई टॉ कोई भी किसी तरह का मटेरियल फॉरमेटरी अटैक करता है तो हमारा बॉडी आगे से एक उसके अगेंस्ट एक डिफेंस सिस्टम हमारा जिसको क्या करता है कि जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्वेडर के खिलाफ या जो भी डिजीज है उसके खिलाफ फाइट करता है तो इम्यून सिस्टम इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एक्चुअली एंटीबॉडीज़ हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो होती हैं उसकी चाहे वो वायरल डिजीज़ है या कोई और डिजीज के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देती हैं दूसरा प्रोटीन्स जो हैं दे आर आल्सो गिविंग अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज ट्रांसपोर्टेशन फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इज द ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है जैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट लंग से लेकर ऑक्सीजन को तूर पूरे बॉडी के ऊपर सप्लाई करना जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन तो हिमोग्लोबिन जहाँ एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर इससे से मायोग्लोबिन है दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है माओग्लोबिन चूंकि हीमोग्लोबिन ब्लड कैपिलिटी से बाहर नहीं जा सकती है तो मायोग्लोबिन का काम जो है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेकर आगे सेल्स तक पहुंचाना है सेल्स और टिश्यू तक लेकर जाना है तो तरह हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और माओग्लोबिन दे आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसके अलावा इन दो ये तो दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके अलावा सेल जो है उसके अंदर जितने भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है स्पेशली वो मटेरियल जो कि लिपिड सोलोबल नहीं है दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्रोटीन प्रोटीन्स क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो सेलुलर लेवल के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाया प्रोटींस हो रही है फिफ्थ इंपॉर्टेंट रोल इज द प्रोटीन वर्क एज एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द एंजाइम आल एंजाइम्स नहीं अगर हम आल क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आरएनए के बने होते हैं जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं उन चंद एक को छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर अब एन्ज़ाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं और हमारे बॉडी के अंदर कोई सिंगल भी केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसको एनजाइम रेगुलेट ना कर रहा हो आल द बायोकेमिकल रिएक्शन जब तक हम जिंदा हैं हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन है लाइफ की अलामत ही बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शन का कंटिन्यू होना है और इन बायो रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं एनजाइम्स तो इस तरह से एनजाइम जो है दे आर प्लेंग दर रोल एज कैटलिस्ट और एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है मूवमेंट प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लोकोमोशन और मूवमेंट मूवमेंट के लिए जब हम हरकत करते हैं जैसे मैं अगर अपने हाथ को हरकत दे रहा हूँ तो इसमें सिंपली जो मेरे मसल प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और कर रही हैं जिसकी वजह से मैं मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है या फिर नीचे को जा रहा है तो आमतौर तो पर जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारिक सारी दे आर ड्यू टू द कंट्रेक्शन ऑफ द प्रोटीन मालिक्यूल्स तो प्रोटीन मालिक्यूल्स में सबसे जो तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो मायोसिन है मायोसिन बेसिकली क्या करती है हमारे मसल्स के अंदर हमारी हाथ हाथों में जैसे मैं अपनी उंगली को हरकत दे सकता हूँ बाजू को हरकत दे सकता हूँ चल सकता हूँ तो ये तमाम जो काम है ये बेसिकली क्या है कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल प्रोटीन हमारे पास मायोसिन है जो जी इसके अलावा हार्ट बीट हार्ट बीट हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है तो हार्ट बीट के लिए जो है ये जो हार्ट है दिल है इसको बार बार पंप करने ब्लड को पंप करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो ये बेसिकली प्रोटीन मस फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं मुसलसल हार्ट को पंप किए जा रहे हैं इससे ब्रीदिंग प्रोसेस है ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारी रिब्स बार बार ऊपर नीचे जा रही हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स में आ भी रही है और फिर बाहर भी जा रही है अब रिब्स को ऊपर नीचे करने का जो बेसिक रोल है जो है ये इसमें प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं कि रिब्स को ऊपर नीचे जो है वो मूव करवा रही हैं तो ओवरऑल हम सिंपली कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट है इवन हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैप के अंदर जो पेरिस्टालसिस है यानी कि वो मूवमेंट है जिसकी वजह से फूड आगे मूव करेगा वो भी ड्यू टू प्रोटीन्स है प्रोटीन्स एज केमिकल मैसेंजर्स अच्छा प्रोटीन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं जैसे हार्मोन्स हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और इंट्रा सेलर मैसेजिक है हारमोन्स तो आप समझ सकते हैं कि जैसे डिफरेंट इंसुलिन एक हारमोन है जो क्या करता है ग्लूकोज अपटेक को वो रेगुलेट करता है तो इंसुलिन बेसिकली हार्मोन है लेकिन वो प्रोटीन इन नेचर है तो इसे हम कहते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स जो वो एज हार्मोन रोल प्ले कर रही हैं न्यूरो कुछ ऐसे न्यूरो जिनको हम पेप्टाइड बोलते हैं पेप्टाइड न्यूरो हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो हमारे यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रे, जो है वो आ जाते हैं इंट्रा सेलुलर मैसेजिंग अच्छा ये तो सेल से बाहर की बात है सेल के अंदर भी जो मैसेज ट्रैवल करता है उसमें प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्रे करती हैं यानी सेल मेम्ब्रेन से मैसेज को लेकर न्यूक्लियस तक पहुंचाना जो प्रोटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा यहाँ वही अगर हम सम अप करें तो जैसे हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन करती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है इससे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए एंजाइम्स मौजूद हैं इसी तरह से जो डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे अब बोन्स हैं या बाकी चीज़ें हैं जितनी भी हमारी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्रोटीन्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस तरह से ह्यूमन के अलावा जो बाकी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी जो है सेम यही पैटर्न जो है मौजूद है एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज का काम होता है कि इन्वेडर या जो डिजीज काजिंग है उनके खिलाफ फाइट करना इस तरह से मूवमेंट के लिए मैंने बताया था आपको कि मायोसिन ये आप देख रहे हैं कि मायोसिन हेड है ठीक है इन मायोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है वो मसल कंट्रेक्शन इस तरह से प्रोटीन्स को हम एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं जैसे एग जो है एग वाइट स्पेशली जो वो आपको पता है कि प्रोटीन है जो हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है